रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। आपका दोस्त मियाँ मोहम्मद आसफ़ अशरफी, मियाँ रफ़ीक स्टेट के चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों आज मैं आपके लिए जो घर लेके आया हूँ, ये 2.5 मरले इसका रकबा है। रजिस्ट्री, इंतकाल, बिजली, पानी, गैस और ओनर ने इसकी जो डिमांड रखी है वो 55 लाख है। बहुत खूबसूरत घर है ये। आमर टाउन जहाँ ख़त्म होता है उसके साथ सोसाइटी है मॉइस टाउन। मॉइस टाउन में अगर ये वाक़िया है, बहुत खूबसूरत इसका फ्रंट एलिवेशन है। आपको मैंने दिखाया है, ये आप फिर देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह खूबसूरत इसका फ्रंट एलिवेशन है। जो इसका फ्रंट है तकरीबन वो 22-23 फुट फ्रंट है तकरीबन। आए अब इसको अंदर से जाके देखते हैं। ये माशाल्लाह देख रहे हैं इसका गिराज खूबसूरत मार्बल के साथ, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह। ये इसका गिराज है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत गिराज है, बहुत बड़ा नक्शा है, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है, इस सामने आप देख रहे हैं माशाल्लाह, सीढ़ियों के नीचे सरकारी पानी की मोटर और बिल्कुल फ्रंट पे आप ये देख रहे हैं। सामने आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह विंडो इसकी। ये माशाल्लाह इसका गिराज है, खूबसूरत गिराज, बहुत प्यारा मार्बल डिजाइनिंग के साथ। ये देख रहे हैं आप, ये नल लगा हुआ है और नीचे सरकारी पानी के लिए बड़ी मोटर लगी हुई है। सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, गिराज ही सेपरेट है। फर्स्ट फ्लोर को जो अपने पोर्शन को जा रही हैं, गिराज ही सेपरेट है। ठीक है, और ये सामने जो विंडो है ये आप देख रहे हैं, खूबसूरत ग्लास के साथ खूबसूरत विंडो अलमूनियम की, ये आप देख रहे हैं। ये बेडरूम की विंडो है, बेडरूम ज़बरदस्त हवादार बेडरूम है खूबसूरत ग्राफी के साथ। ये गैराज पोर्च, जो गाड़ी का पोर्च उन्होंने खूबसूरत किया हुआ है, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह। ये इसकी मेन एंट्रेंस है माशाल्लाह लिखा हुआ, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। काफ़ी दोस्त कहते हैं कि आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कहते हैं, तो आपको दिखा भी दिया है। माशाल्लाह कहने से एक तो अल्लाह का जिक्र होता है और दूसरी बरकत होती है। ये आप देख रहे हैं, ये इसका माशाल्लाह टीवी लॉन्ज है, खूबसूरत मार्बल। ये सामने आप देख रहे हैं ओपन एरिया, ये स्टोर बना हुआ है, इसके नीचे वॉशरूम है जो बेडरूम को लगता है। ठीक हो गया, ये है आपका टीवी लॉन, और ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह किचन। किचन आप देख रहे हैं माशाल्लाह खूबसूरत मार्बल, और ये आप देख रहे हैं खूबसूरत किचन। वुड का काम काफ़ी नफीस है, अच्छा है, उमदा है। ये देख सकते हैं चूल्हे, चूल्हा वगैरह लगा हुआ है। सामने विंडो है जो बाहर से भी आपको नजर आ रही थी। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह ऊपर भी काफ़ी प्यारा किचन है। ठीक हो गया, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये किचन आपका। ठीक है, ये छत देख लें, छत ही वो सिंपल है, प्यारी सी डिसेंट छत है। ठीक है, ये इसके साथ बेडरूम है, बेडरूम के नीचे भी मार्बल, ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बेडरूम है। ये आपको इसके मैं डोर दिखाता चलूँ, ये डोर की दरवाजों की डिजाइनिंग है। ठीक है, ये दरवाजे हैं सारे इसी डिजाइन के लगे हुए हैं। ये दीवारें आप देख सकते हैं, ये दीवार भी डबल इंच की दीवार है सोलिड। ये चुगाड़ आपको जो नजर आ रही है डबल इंच की चुगाड़ है। ठीक है, ये इसका बेडरूम हो गया, नीचे खूबसूरत फर्श, सिंपल सादी दीवारें हैं। ठीक है, ये आपको इस एंगल से भी दिखा दूँ, ये अलमारी वगैरह बनी हुई है, 2 मरले वाली अलमारी है, 2.5 मरले में काफ़ी प्यारी डिजाइनिंग की है, काफ़ी बड़ा घर लगता है इसे 3 मरले का हो। और ये इसके अटैच बाथ हैं, ये देख सकते हैं, ये जो फैब्रिक का दरवाज़ा है ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं जैसे फैब्रिक का यूज़ किया हुआ है। मुझे तो फैब्रिक लगती है, लेकिन फिर भी ओनर से पूछ सकते हैं। ये खूबसूरत टाइल, ये आप देख रहे हैं, सैनिटरी का सामान भी ठीक है, और ये देख सकते हैं बेसन वगैरह। ठीक है, एग्जॉस्ट का पॉइंट, और ये इंडियन सीट। इस एंगल से मैं आपको दिखा दूँ, प्रॉपर आपको विजिट करवा रहे हैं, छत तक टाइल लगी हुई है। ये बेडरूम का अटैच बाथ हो गया, और अब मैं आपको जो ओपन एरिया है उसका भी आपको विजिट करवा दूं। ये ओपन एरिया है जो टीवी लॉन्च और वॉशरूम को हवादार करता है। ये आप देख रहे हैं
खुला आसमान नजर आ रहा है, ठीक हो गया, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ठीक है। आए अब ऊपर चलते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे देखते हैं कि वो कैसा बना है। ये देख रहे हैं माशाल्लाह गिराज से ही सीढ़ियाँ सेपरेट ऊपर जा रही हैं, ये आपको नज़र आ रहा है गिराज से बाहर का मेन गेट, ठीक है। आए ऊपर चलते हैं, माशाल्लाह खूबसूरत सीढ़ियों पे मार्बल, सीढ़ियों का जो साइज है अच्छा है, ठीक है माशाल्लाह, हो गया माशाल्लाह। ये देख रहे हैं माशाल्लाह ये सीढ़ियाँ हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ ये है कि आप अगर रेंट आउट भी करना चाहेंगे, दो फैमिली रहना चाहें, अगर रहना चाहें तो इजीली रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीढ़ियाँ बिल्कुल सेपरेट है, ये आप देख रहे हैं गिराज से आ रही है सीढ़ियाँ, ये गिराज से और गिराज से ही ऐसे फाइनल छत की तरफ जा रही है, ठीक हो गया। यानी कि आपकी जो ये मेन एंट्रेंस है फर्स्ट फ्लोर की, ये सेपरेट है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप सामने, देखिए माशाल्लाह वुडवर्क का काम, वो लिखा है सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, सुभान अल्लाह, ठीक हो गया। ये आए, ये चलते हैं, ये टीवी लॉन्ज है फर्स्ट फ्लोर का, खूबसूरत मार्बल डिजाइनिंग के साथ, ठीक है। सामने माशाल्लाह आप देखें ये टीवी लॉन्ज कितना बड़ा है, और सामने ज़बरदस्त किचन है, ये आपको नज़र आ रहा है माशाल्लाह, किचन प्रॉपर किचन आप देख रहे हैं कैमरे की आंख से। यहाँ भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये माशाल्लाह आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत किचन है, घर रोशन और हवादार है, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितनी रोशनी, ये सूरज की रोशनी अंदर आ रही है टीवी लॉन्ज किचन में, ठीक हो गया। इसका जो एग्जॉस्ट का सिस्टम है फाइनल छत की तरफ है, ठीक है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह, क्रीज से भी आपको दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हैं माशाल्लाह, ये किचन है माशाल्लाह, चूल्हे वगैरह नीचे भी फिट हैं, ऊपर फिट हैं, ये इसका सिंक है, ठीक हो गया। इस एंगल से भी आपको दिखा देता हूँ, आपको बखूबी अंदाजा हो जाए, ये देख सकते हैं ये मेन एंट्रेंस जहाँ से हम आए थे, ये आपको नज़र आ रही माशाल्लाह, ये ठीक हो गया। एक ये बेडरूम है फ्रंट की तरफ, और ये बेडरूम इसके साथ है, यानी कि ढाई मरले में तीन बेड हैं, तीन वॉश हैं, दो किचन है, और ये देख सकते हैं माशाल्लाह खूबसूरत मार्बल वुड का काम काफ़ी अच्छा है, ये आप देख सकते हैं विंडो, और ये आप ये देखें, ठीक हो गया। इसका अटैच बाथ है, खूबसूरत टाइल, ये देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि आपको प्रॉपर विजिट कराया जाए, थोड़ी लंबी वीडियो हो जाती है, लेकिन आपके लिए ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये इसका एग्जॉस्ट का पॉइंट, इसकी छत है, ठीक हो गया, ये पानी की टैंकी, ठीक हो गया, ये इसका अटैच बाथ है। अब दूसरे बेडरूम को आप विजिट करते हैं, खूबसूरत मार्बल, बहुत प्यारा बेडरूम है, हवादार है, ये देखें माशाल्लाह विंडो लगी हुई है, घर बिल्कुल रोशन है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें नीचे धूप अभी भी अंदर रोशनी और धूप है, ठीक है। ये बेडरूम आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त बेडरूम है, ठीक है। सामने आप देख सकते हैं कि मुकम्मल बड़ी अलमारी है, तमाम बेडरूम में वुडवर्क का काम किया हुआ है, इसके साथ ये अटैच बाथ है, ठीक है, अटैच बाथ आप देख सकते हैं। सामने आप देखें इंडियन सीट टैंकी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सेसरी और सेंट्री का सामान ब्यूटीफुल ज़बरदस्त, एग्जॉस्ट का पॉइंट, ठीक है। ये भी आपका बेडरूम हो गया क्लियर, और ये सात बार टेरेस है, ये टेरेस खूबसूरत टेरेस मार्बल, ये ग्लास आप देख सकते हैं शीशे से, अच्छा नफीस खूबसूरती बढ़ गई है। ये टेरेस के ऊपर देखिए माशाल्लाह, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक हो गया, ये रोकवाल से, और ये आप देख सकते हैं कि निशे बनी हुई हैं, ठीक है। आए अब इसकी फाइनल जो छत है उसका विज़िट करते हैं, और देखते हैं वो कैसी है और गिरतुनवा का मोड़ कैसा है। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं फाइनल छत पे, ठीक है,
ये देखिए माशाल्लाह अच्छी सीढ़ी है, बढ़िया है, यानी कि ये देख सकते हैं हम इधर से आए हैं, ठीक है। ये आ गया ऊपर प्लेटफॉर्म, ठीक है, यहाँ बंदा ठहर सकता है। और ये देखिए माशाल्लाह ये ऊपर स्टोर आ गया, ठीक है, ये यूपीएस के लिए, ये आप देख सकते हैं। ये सामने दो अल्मोनियम की निशेस और विंडो, अल्मोनियम की खूबसूरती और रोशनी हवा के लिए, खूबसूरती ये देख रहे रोशनी के लिए। आए अब मैं बाहर आपको ले आया हूँ, जो फाइनल छत है ये देख सकते हैं आप, ये ममटी है, मैं आपको फिर दिखा दूँ इजीली आप समझ जाएँ, ठीक है। ये इसकी फाइनल छत है, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह, साफ सुथरी नीट एंड क्लीन छत है। इस एंगल से मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं रॉक वॉल काफ़ी अच्छी की हुई है, ठीक है, ठीक हो गई। ये इसकी ममटी हो गई, और जो नीचे ये ऊपर वाला किचन है उसका एग्जॉस्ट का ये पॉइंट है, ठीक है। गिरदनवा का माहौल आप देख रहे हैं माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे घर बने हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये घर पसंद आएगा। इसका जो रकबा है वो इसका रकबा है 2.5 मरले, इसका जो फ्रंट है वो तकरीबन 23 फिट है, रजिस्ट्री इंतकाल है, बिजली पानी गैस। ओनर जो इसकी डिमांड कर रहा है वो डिमांड है इसकी 55 लाख। इंशाल्लाह बार्गिंग हो सकती है, बार्गिंग में कमी पेशी होगी। आप एक मरतबा इसका ज़रूर विज़िट करें, आपको पसंद आएगा। दुआओं में याद रखें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।